पहले क्या होता था कि ये बेडशीट ना एक एक दिन बाद कि जिस दिन बिछाया उस दिन ही मैंने बेडशीट हटा दिया, वैसा होता था। लेकिन अब क्या होता है ना, 2-3 दिन तक बेडशीट चल जाता है क्योंकि माल अब इसके ऊपर अब चढ़ता ही नहीं है, और चढ़ता है तो फिर वो सुसु नहीं करता है, बहुत रेयर सुसु करता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ दिन से तो कर ही नहीं रहा है, वो दोपहर को सोता है फिर भी नहीं करता है। और मेरे को बहुत खुशी होती है कि चलो यार, मेरे को बार बार बेडशीट धोना नहीं पड़ेगा। रोज़ रोज़ बेडशीट ना मतलब अच्छा नहीं लगता है मुझे खुद। ऐसे 2-3 दिन बाद बार चेंज कर दो अच्छा लगता है, लेकिन रोज़ रोज़ पहले करती थी ना तो अलग सा ही थकान होता था, तो उसको फिर धोना भी पड़ता था। और अभी जो है ना, मैं लगाऊंगी झाड़ू, कुछ काम नहीं किया है मैंने घर का, बस ऐसे ही रखा है घर। लेट हो जा रहा था और मैंने सबसे पहले ना पूजा, क्या कहते हैं, पूजा वाला रूम मैंने साफ़ कर दिया था, तो पूजा वाला हो गया है सब कुछ सारा काम। क्योंकि मैं आजकल क्या कर रही हूँ ना कि सबसे पहले पूजा ही कर दे रही हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा घर का, बस मंदिर वाला साफ़ सुथरा करके कर दे रही हूँ। और अभी तो मुझे लग गई थी चोट बहुत तेज़, और देखना फिर 2 दिन बाद यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। ऐसा ही होता है मेरे साथ, थोड़ी सी भी चोट लगती है तो काला पड़ जाता है, खून की कमी है। बताओ, इतना खून पीती हूँ फिर भी कमी रहती है शरीर में। और मैं सोची थी कि इसको हटाऊं करके, लेकिन माधव हट नहीं रहा है, इसलिए मैंने इस तरी को हटाया नहीं, मैंने वैसे ही नॉर्मली झाड़ू लगा दिया है। और अभी जो है ना, ये सारे देखो कपड़े हैं, कुछ ये सब धोने हैं मुझे, तो अभी तो नहीं धोऊंगी मैं, थोड़ी देर में ही धो दूंगी, बाद में ही धो दूंगी। और मेरे को आ रही थी नींद बहुत तेज़ आजकल ना, मैं सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि माधव लेट सो रहा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, तो इसलिए ना लेट सो रहा है वो। और देखो यहाँ पे मीनी पता नहीं क्या खा रही है, ये 2 बच्चे थे ना मेरे घर में बिल्ली के, वही बच्चे हैं ये, तो ये लोग ना हाथ नहीं आते हैं अब, फिर भी ये फिर भी चली आती है, लेकिन फिर भी मतलब ये हम पे भरोसा नहीं करती है, क्योंकि मैं कभी कभार भगा देती हूँ बिल्ली को। ये वाली बिल्ली बहुत चालाक और शैतान है, तो इसलिए मैं कभी कभार उसको भगा देती हूँ, इसलिए मेरे साथ ना वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करती है। और मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि वो प्यार करते हैं ना, और मैं इनको ना मतलब थोड़ा बहुत भगा देती हूँ क्योंकि ये लोग बहुत काटते हैं मुझे, मतलब नोचने आते हैं, काटने आते हैं, इस वजह से ना मेरे को जब गुस्सा आता है ना मैं भगा देती हूँ तुरंत। और फिर भी मैं कभी कभार इनको ना कुछ खाने के लिए दे ही देती हूँ, ये लोग रोज़ ही आते हैं। देखो जहाँ पे प्यार मिलता है वहीं पे ही बिल्ली आते हैं, कुत्ते बिल्ली जानवर आते हैं, तो फिर कोई ना थोड़ा भगाना बनता है, नहीं तो ये लोग ना फिर मेरे किचन में चढ़ जाएंगे। ये लोग जस्ट किचन के आसपास ही घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। और अभी जो है ना, मैं अपना किचन जो है वो थोड़ा क्लीन करूँगी क्योंकि थोड़ा गंदा है। अभी जस्ट हम लोगों ने जो है ना चाय पिया था, और मैं पूजा वूजा करके चाय वाय पी लेती हूँ। और अभी मैं इनको भगा रही थी क्योंकि बीच बीच में ऐड मारना इनको ज़रूरी है, और ऐड मार के ना मतलब वो थोड़ा मुझे चिढ़ा देते हैं, इस वजह से मैं भगा देती हूँ अपने आसपास से। और आप सबको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी के लिए बाय बाय।